अहंकार बड़ा शत्रु है, विशेषकर हम मनुष्यों का, और उसमें भी आध्यात्मिक पथिकों का, क्योंकि ये अहंकार का अर्थ है कर्तापन का अभिमान। तो इसके कारण भी कई बार बड़ा अहित होता है, हम अन्य के सद्गुणों को नहीं देख पाते, श्रेष्ठता से वंचित रहते हैं, स्वयं में संतुष्ट हो जाते हैं, विकास रुक जाता है, फिर उन्नयन उत्थान और उत्कर्ष के लिए हमें उतनी उत्सुकता नहीं रहती, ये जानकर कि अब तो हम पूर्ण हैं और सब कुछ आता है हमें। कई बार अहंकार हमें आत्ममुग्ध करता है, अपनी प्रशंसा हमें अच्छी लगने लगती है, हम आत्म प्रशंसक बन जाते हैं, आत्मशलाघा हमारा व्यसन बन जाता है। ऐसे भी कई दुर्गुण व्यक्ति के उत्थान में बड़े बाधक है। इसे हमारी संस्कृति का सौंदर्य तो देखो कि उसमें कहा हम समर्पित रहे, जो जो हमारे पास विभूतियां हैं वे भगवदीय विभूति है, किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता दिव्यता उच्चता वह विवेक के रूप में हो, बुद्धि और पदार्थों के रूप में हो, जो भी ऐश्वर्य हमारे पास है वह विभूति ईश्वर की है। इसलिए हमारे यहां अर्पण तर्पण समर्पण जैसे ये जो उपचार हैं ये हमें नियंत्रित रखते हैं। अर्पणम तर्पणम समर्पण तर्पया में कि ये जो हमें प्राप्त हुआ हमारे पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक आओ उसका तर्पण कर, जो प्राप्त हुआ है देव सत्ता से देव अनुग्रह देव अनुदान देव कृपा देव उपलब्धि, ये जो अधिक से अधिक प्राप्त हुआ है ये देव अनुग्रह है, आओ कुछ अंश उन्हें अर्पण करें। और ये जो कुछ भी है ये ईश्वर का ही है ऐसा मानकर समर्पण करें। तो इस समर्पण अर्पण तर्पण के कारण हमें विनयशीलता रहती है, और ये विनयशीलता एक विशेष प्रकार की पात्रता पैदा कर दी है। ये जो जब ऐसा ज्ञान आता है, जब विद्या प्रकट होगी, जब ऐसे धर्म जगेगा तो हमें विनय आएगी, और विनय के साथ ही हमें पात्रता विकसित होती है, पात्रता योग्यता। उस पात्रता योग्यता में ही श्रेष्ठता ठहर पाती है। उत्तम वस्तु को रखने के लिए उत्तम पात्र भी तो चाहिए, महंगी से महंगी वस्तु किस पात्र में रखोगे, दिव्य गुणों के लिए भी तो पात्रता चाहिए योग्यता चाहिए। भगवान की अनन्य कृपा मिल भी जाए तो उसके लिए पात्र तो बने। तो धर्म अथवा विद्या या सत्संग हमारी पात्रता के विकास के साधन है।